अब तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y is equal to x into square root a plus x over a minus x। लेट हम इस हिस्से को जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको कहेंगे t is equal to a plus x over a minus x। स्टूडेंट्स फिर ना हम पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। ब्रेक चेन रूट की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमारे पास y क्या बनेगा बच्चों, y is equal to x into square root t। अभी भी देखेंगे दो फंक्शन है, x भी है और t भी है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक चेन रूट नहीं लगाएंगे। हम कहेंगे यहीं पे y हमारे पास, t भी हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन इन x है। अब t यहाँ पे कॉन्स्टेंट के तौर पर बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि t के अंदर खुद क्या है, x मौजूद है। तो हम लोग यू लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये क्या होगा हमारे पास जी, dy by dx। यहां पे जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारे पास आ जाएगा t। अब बेटा जी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा ये क्या होगा हमारे पास, x पावर पहले वन बाय टू t की पावर वन बाय टू माइनस वन इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट टी इंटू वन। स्टूडेंट्स फर्दर बहुत सॉल्व कर लिया आसानी के लिए, तो वन बाय टू स्टार्ट में x, t की जगह पे क्या बेटा हमारे पास a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी की जगह पे क्या रहेगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ऊपर स्क्वेयर रूट है। तो बेटा जी इसको भी शक आप इतने रहने दे, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, बाद हम सॉल्व कर लेंगे। हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। भाई इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x आया हमें मालूम है, ये भी वैल्यू लिखी आ गई कोई मसला नहीं है, ये भी लिखी हुई आ गई डी टी बाई डी एक्स है। अभी हमें डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो फाइंड करेंगे वो इक्वेशन हमने पुट कर देंगे। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी एस, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, एस टी क्या बच्चों हमारे पास ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव किससे लेना है टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना है। हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास बेटा जी क्या होगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स एज इट इज एक डेरिवेटिव होता है जीरो, प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, माइनस ए प्लस एक्स इंटू एक डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स डेरिवेटिव वन। तो बेटा जी डी टी बाई डी एक्स ए माइनस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी बेटा हमारे पास बचेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए ओवर ए माइनस एक्स की पावर टू। ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन
इक्वेशन वन। बेटा इक्वेशन वन हमारे पास है, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन वन जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू जी बेटा बेटा ये ए और ए प्लस टू भी हो गया, ये भी माइनस है, इस वजह से ए प्लस एक्स आ गया। तो बेटा जी ये वन बाई टू एक्स ऐसे ए प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू और ए माइनस एक्स की पावर भी माइनस वन बाई टू, इसको ऐसे लिख दिया। अब डी टी बाई डी एक्स जब हमने ये रिप्लेस कर दिया, क्या है हमारे पास 2a over a माइनस एक्स की पावर 2 प्लस a प्लस एक्स over a माइनस एक्स। देखिए बेटा जी ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a और x ऊपर रहेंगे, ये नीचे आ जाएगा बेटा जी a प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है, नीचे आ क्या लेगा जी a प्लस एक्स की पावर प्लस वन बाई टू, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे a माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस टू माइनस वन बाई टू प्लस टू प्लस, बेशक इनको अलग अलग कर ले बेटा जी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब बेटा जी इसके आगे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे देखिए ए माइनस एक्स की पावर वन बाई टू है, ये पावर थ्री बाई टू है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा हमारे पास, नीचे तो आ जाएगा a प्लस एक्स और साथ में a माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू, क्योंकि ये माइनस एक्स की पावर वन बाई टू भी थ्री बाई टू के अंदर ही मौजूद है, ये वाली टर्म ऐसे रहेगी ax, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ a प्लस एक्स के साथ, a प्लस एक्स के साथ a प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वेयर। बेटा फिर ये देखिए a माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू थी, जब a माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू है तो बेटा जी ये हमारे पास क्या होगा वन बाई टू, तो इसके साथ नीचे मौजूद है उसको डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, इससे बाकी बचेगा a माइनस एक्स की पावर वन, वो a माइनस एक्स की पावर वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस एक्स। बेटा इसको आप अलग भी रूप में कर सकते हैं एलसीएम बेटा जी, तो बेटा जी ये पावर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगी, बाकी अगर आप देखें तो बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, बेटा ये बचा हुआ हमारे पास मैं जरा डेट कर रहा हूं ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, हम इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो बेटा इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास आ गया बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स।